उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि अहमदनगर के दरगाहों में भी एक लाइब्रेरी थी। वो लाइब्रेरी ऐसी थी जिसको इस्लामिया लाइब्रेरी बोलते हैं। वाजपेयी चौड़ी की जो दरगाह है उसके पड़ोस में लाइब्रेरी थी, और वो लाइब्रेरी इतनी अहम थी और उसका ज़खीरा जो था या उसके अंदर का जो कलेक्शन था जो लोगों ने किए थे वो इतना नायाब था कि उस ज़माने के बीबीसी रेडियो के ऊपर उस लाइब्रेरी के रेफरेंसेस दिए जाते थे। उस लाइब्रेरीज की किताब इतनी बेहतरीन किताबें अहमदनगर शहर के लाइब्रेरी थी।